हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आपको बताएंगे ब्रांच लोन एप्लीकेशन में हम लोन रिपेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में बता देंगे, ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इससे अगर आप लोन लेना चाहें तो लोन जो है ले सकते हैं। 5 से 10 मिनट लगता है टाइम, उसमें आपको अर्जेंटली लोन मिल जाएगा। इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में 500 रुपये से लेकर आप 40-50 हज़ार तक का लोन ले सकते हैं सिंपली अपने बैंक अकाउंट में। ओके, और इसी धीरे धीरे लिमिट बढ़ती रहती है। तो अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाकी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस एप्लीकेशन से जो है आपको लोन का रिपेमेंट कैसे करना है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले आपको ब्रांच की जो एप्लीकेशन है उसको खोल लेना है। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को खोले, कुछ इसका इंटरफेस है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लोन्स के सेक्शन में जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट जो है रिपेमेंट, यानी रिपेमेंट वो अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे 5458 लोन अमाउंट है, इसको हमें पे करना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्यू है, टोटल ड्यू का मतलब होता है इतना लोन जो है आपको पे करना है। अभी आपकी जो ईएमआई मतलब एक एक महीने की जो बन रही है ईएमआई जो आपको पे करना है वो है 2729। ओके, तो आप इसको मतलब एक एक महीने पे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको एक साथ करना चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लोन अमाउंट जो है इसके कुछ ईएमआईज है। ओके, एक है 8 मई, 8 जून, 9 जुलाई। ओके, तो ये 2729 के मतलब 3 ईएमआईज बन रहे हैं। ओके, लोन अमाउंट जो था वो था 7,500 रुपये का, और जो रिपेमेंट आपको करना है वो कुछ 8,100 कुछ करना है, यानी अराउंड 6-650 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने हैं। लेकिन अच्छा खासा आपको उसमें 3 महीने का टाइम मिल रहा है लोन रिपेमेंट का। ओके, तो काफ़ी हमको अच्छी एप्लीकेशन लेकर उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। बाकी और बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी जो बहुत मतलब जो बहुत ज़्यादा आपसे अमाउंट लेती है। तो ओके, तो वो सब एप्लीकेशन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे। जो एप्लीकेशन मैं आपको रिकमेंड करी है वो ट्रू बैलेंस हो गई और ब्रांच एप्लीकेशन हो गई, इस तरह से एप्लीकेशन जो है क्रेडिट भी हो गई, अच्छी एप्लीकेशन, आप इनको इस्तेमाल करिए। बाकी फालतू की एप्लीकेशन हम रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि आपसे वो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये लोन अमाउंट है, इसको आप एक साथ भी करना चाहे पे कर सकते हैं, वरना एक एक महीने पे भी पे करना चाहे पे कर सकते हैं। ओके, तो गाइस अगर आप इसको ये जो आपका लोन अमाउंट इसकी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली आना है यहाँ पे नीचे मे का पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको मे का पेमेंट पे जाना है, यहाँ पे आपको इसकी रिपेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट अमाउंट ड्यू, यानी अब जो आपका नया अमाउंट ड्यू है जो आपको पे करना है ईएमआई कह सकते हैं वो है 2729 की। आप वो पे करना चाहे वो पे कर सकते हैं, वरना या फिर टोटल ड्यू यानी जितना आपका अभी बचा हुआ है पे करना है इस एप्लीकेशन को वो ये है 5458, आप इसको भी पे करना चाहे पे कर सकते हैं। अदर अमाउंट में अपने हिसाब से कोई रैंडम अमाउंट टाइप कर सकते हैं जो आपकी ईएमआई के हिसाब से। ओके, क्योंकि अपने रैंडम अमाउंट भी डाल सकते हैं, जैसे आप जो है 2729 की ईएमआई बन रही है, आप चाहते हैं 3,000 रुपये पे कर दें, 3,500 पे कर दें, तो अपने हिसाब से भी यहाँ पे अमाउंट जो है टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टोटल ड्यू पे क्लिक कर दिया, फिर आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया तो देख सकते हैं यहाँ पे कह रहे हैं काइंडली कन्फर्म योर रीपेमेंट अमाउंट बिलो, नेक्स्ट अमाउंट विल बी आस्क्ड टू चूज रीपेमेंट मेथड, कंप्लीट द पेमेंट। ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे आपका 5458 ये अमाउंट है, इसको आपको रीपे करना है। रीपे करने के लिए आपको और यहाँ पे एक बताने जाएंगे कि यहाँ पे 5458 अगर आप पे कर देंगे तो अब आपका रिमेनिंग बैलेंस जो होगा, यानी आपको जो भी लोन पेमेंट रीपेमेंट होगा वो जीरो है, यानी आपको सिर्फ इतने पे करना है, उसके बाद कुछ नहीं पे करना है। तो आपको नीचे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पर आपने क्लिक कर दिया, आपके सामने यहाँ पे पेमेंट मोड मतलब पेमेंट मोड जो है वो आ गया। यहाँ पे यूपीआई आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, भीम यूपीआई, अमेज़ॉन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको अपनी यूपीआई आईडी जो आपके होती है प्रोफाइल में वो यहाँ पे टाइप कर देनी है और वेरीफाइड पे पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे ये कर सकते हैं, वरना आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वरना कार्ड से भी कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे यूपीआई आईडी टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे और आपको अमाउंट जो पे करना है वो है 5458 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने जो है फ़ोनपे की एप्लीकेशन में जाके जब इस जो अमाउंट था 5458 का वो हमने रीपे कर दिया। ओके, तो यहाँ पे बन के आ गया कि योर लोन ऑफ 7,500 रुपये इस रीपेड, यानी 7,500 रुपये का जो हम लोन लिया था वो बैंक में आया था मेरे, वो हमने उसका जो टोटल जो भी रीपेमेंट था वो हमने कर दिया है। वी इन्वाइट यू टू अप्लाई अगेन, यानी अब जो है हम अब फिर से लोन कोई लेना चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोन है मेरा क्लोज हो चुका है, हमने पूरा रीपेमेंट कर दिया, अब मेरा कोई अमाउंट ड्यू नहीं है। ओके, इसी तरह आपको सिंपली जाके एक साथ भी पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं, वरना आप रैंडम अमाउंट भी टाइप कर सकते हैं, ईएमआई के हिसाब से भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कह रहे ग्रो विद ब्रांच, एक्सेल लार्जेस्ट लोन विद लो इंटरेस्ट रेट व्हेन यू रीपे ऑन टाइम, यानी आप जब टाइम पे रीपेमेंट अपना करते हैं तो आपको जो है लोन अच्छे खासे मतलब बड़े बड़े लोन मिलने लगते हैं, 10,500, 11,000, 15,000 बड़े बड़े लोन मिलने लगते हैं। ओके, तो आप टाइम पर अगर रिपेमेंट करेंगे तो आपको जब भी इनसे लोन लेना हो तो आपका इजीली आपका लोन जो है डिसबर्स हो जाता है,
तो टाइम पे रिपेमेंट करिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। इसका देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि 9,000 रुपये तक का आप लोन ले सकते हैं, 7,500 का लोन लग सकते हैं, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोन की जो आपकी लिमिट थी वो बढ़ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 6,500-5,500 जो भी आपको लोन लेना है अब यहाँ पे वो लोन आप ले सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है नीचे कंटिन्यू पे और सिंपली लोन लेना चाहे ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ब्रांच एप्लीकेशन से लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।